में मैं दो तीन चीज़ें पहले बता देता हूँ, फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। वैसे ये रैली रिव्यू एग्ज़ाम रिव्यू पे वीडियो बेस्ड है। पहला नंबर, यहाँ पे कानपुर सेंटर पे एसआरटी पे कोई भी आउट नहीं हुआ है। डीएफटी टेस्ट नंबर दो हुआ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके स्टार एग्ज़ाम पे जो आपका होगा उस पर नहीं होगा, मतलब जो आपका फिर सेकेंड स्टार का होगा उसमें नहीं होगा। अगला नंबर अगर मैं बात करता हूँ, रनिंग भी आपका नहीं हुआ है। अगला नंबर मैं बात करता हूँ तो जीडी पे कोई आउट नहीं हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सो शॉर्ट में यहाँ पे फुल रिव्यू कैंडिडेट ने शेयर किया। मैंने कॉल पे ही बात की, उनको टाइम नहीं था भाई को कि वो चैटिंग पे आके बात कर सके 15-20 मिनट, और सही भी होता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप किसी से चैट करते हो तो उससे बेटर होता है कि आप किसी से कॉल पे बात करके वही चीज़ शेयर कर सकते हो, आप उनके मुँह से सुन सकते हो कि उन्होंने क्या शेयर किया है। सो बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं वीडियो। यार शेयर किया करो थोड़ा सा तो ज़्यादा एक मोटिवेशन लाइक यूजर्स बढ़ते हैं। बाकी मैं अदर सेंटर्स का, जैसे कि भोपाल हो गया या दिल्ली हो गया, दिल्ली वाले झारखंड हो गया, इन सभी सेंटर्स का रिव्यू क्या क्या हो रहा है सब कुछ लेके आने वाला हूँ। सो डोंट वरी, एंड बस एक काम है, अपना वीडियो अगर शेयर कर सकते हो तो कर दिया करो। हाँ, क्या ये परीक्षा आप ओपन कर रखा है, बता देता हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज लर्निंग में बेस्ट मिल जाएगा आपको, कुछ ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता यार, 140 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालने के बाद, स्पेशली रैली एग्जाम देने जाने वाले हो तो 10%, मतलब कि ये वाले 10 टेस्ट हैं वहाँ पर नए लॉन्च किए गए, आपको इनके लगा लेने हैं। एयरफोर्स एंड नेवी के लिए भी हैं, किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पे टेस्ट मिल जाते हैं और कम प्राइस में मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यार, ऑनलाइन लगाने से आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हो। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आस्क कर लिया करो, मैं जरूर रिप्लाई आपका कर दूंगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक की ओर। ऐसे मैं एक बात बताऊं तो मैंने भाई से कल बात किया था लगभग 3 मिनट 40 सेकंड, जिसमें उन्होंने ये शेयर किया था कि कैसे क्या रिपोर्टिंग रहा, क्या क्या चेक हुआ, क्या क्या कैसे क्या हुआ, रनिंग हुआ, PFT हुआ हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ। उसका वीडियो हो सकेगा तो मैं आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, नहीं देखे हो तो दूसरी बात, अब यहाँ पे क्वेश्चन से मतलब अभी जहाँ पे जो क्वेश्चन लेवल पेपर रहा वो मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग प्ले करके सुनाने वाला हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले, मतलब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो टाइम है 9:58 और मैंने बात की 9:43 पे। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो भाई, बता भाई कैसा पेपर रहा? रैली नहीं आ रहा है यार भाई, रुको बता रहा हूँ। तो सुनो, एक है कि आपका एक्टिव पॉलिसी वाइज एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत इजी से। ओवरऑल पहले ये बताओ पेपर कैसा रहा, पेपर मतलब लेवल कैसा था? साहब गया ना पेपर, आसान, बहुत आसान था। स्टार एग्जाम के कंपैरिजन में पेपर कैसा था? अरे भाई मन ने तो स्टार एग्जाम दिया नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आसानी है। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ एक्स ग्रुप का था ना इधर कानपुर पे? तो ही कानपुर पे तो एक्स ग्रुप का ही था ना? हाँ कानपुर से एक्स ग्रुप का था। अच्छा भाई ये बताओ, आप कानपुर से हो ना? अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं फिर वापस आता हूँ। हाँ तो अभी उसके बाद फिर इंग्लिश का कितना, मतलब वही 20 क्वेश्चन तो कैसा रहा, मतलब कि 20 क्वेश्चन थे तो इजी और हार्ड कौन से लेवल पे, कहाँ पे थे क्वेश्चन? इंग्लिश में क्या है कि प्रीपोजिशन का बहुत आसान क्वेश्चन, ए एंड द वाले, बस बहुत आसान, मतलब जैसे ऑनरेबल लिखा था, अब ऑनरेबल में एंड लगेगा ये, मतलब ये एक मतलब प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन से था, सॉरी। और एक्टिव पैसिव वाइज बहुत आसान थे, और क्या था, डायरेक्ट होगा कॉम्प्रिहेंशन, नहीं एक कॉम्प्रिहेंशन पूछा था बहुत आसान कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम एक था, मतलब जितने भी आते हैं सब एक एक थे उसमें। अच्छा पेपर मतलब ठीक था ओवरऑल? हाँ एक आसान था मतलब। और उसके बाद मैं बात करता हूँ मैथ्स का, तो मैथ्स कैसा था, किस लेवल का था? देखा जाए तो सिर्फ अगर फॉर्मूले देख के चले जाते हैं तो फिर काम हो सकता है। मतलब अच्छा फॉर्मूले पे सिंपल सिंपल से थे, लाइक अभी स्टार एग्जाम पे भी देखा था बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आए थे मैथ के, तो जैसे प्रॉपर्टीज पे एकदम, जैसे उसका इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती है ना, माइनस पाई से पाई फंक्शन एट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो वाली जो प्रॉपर्टी नहीं होती। हाँ हाँ समझ गया मैं। तो वो वाली प्रॉपर्टी क्वेश्चन आए थे। अच्छा कैलकुलस का थोड़ा सा वेटेज था। किसका? कैलकुलस का। कैलकुलस का वेटेज थोड़ा था। अच्छा ठीक है, अगर बात कर लेते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स का देखा जाए तो फिजिक्स में अगर आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ ना, कोई अगर फॉर्मूला चार्ट आपको मिल जाए 11th 12th का, फॉर्मूले पढ़ लो बस काम हो जाएगा, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब नॉर्मल सा फिजिक्स भी आया हल्का सा? एकदम नॉर्मल सा, एकदम वो नहीं कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करके उसका निकालना है, बस सिंपल फॉर्मूला, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी का क्वेश्चन आया था, और क्या क्वेश्चन आया था यार, करंट निकालने का कि उसमें v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t, i इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा t, बाद ये निकालो पावर फैक्टर निकालो, ठीक है। हाँ तो p इक्वल टू a v नॉट i नॉट बाय 2 वाला होता नहीं फॉर्मूला? हाँ हाँ समझ गया।
तो ये सब मतलब फॉर्मूले से काम चल सकता है आपका पूरी तरह से, मतलब ओवरऑल पेपर इजी था मेरे हिसाब से, तो इजी था भाई। अच्छा टोटल जितने कैंडिडेट बचे थे उसमें फाइनल 28 सेलेक्ट हुए थे ना आपने बोला था? हाँ मैं तुमको नंबर बताता हूँ, देखो रुकना अभी बोल देना कुछ देर बाद। चलो ठीक है ये इतना ही ना। सो ओवरऑल पेपर आपका इजी आ रहा है एंड प्रैक्टिस करके जाओ, थोड़े से फार्मूले सिंपल से पढ़ के जाओ, आप अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो आराम से क्लियर कर जाओगे। मुझे पता है रैली पे जितने फेक कैंडिडेट जा रहे हैं, या उसने बताया 65% कैंडिडेट वहाँ पे फेक थे, तो बाकी उनको पास ही करने पहले से इतने ज़्यादा बाहर कर दिया जाता है। तो बाकी अगर आपका पेपर अच्छा चल जाता है तो सब कुछ आप अच्छा कर जाओगे। रनिंग हो नहीं रहा है ये सारी की सारी चीज़ें, वीडियो को शेयर करना, मैं नेक्स्ट सेंटर का भी जल्दी रिव्यू लेके आने वाला हूँ, सो शेयर करो और मैं करता हूँ। बाकी टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।